नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा एक की हिंदी की पुस्तक कलरव के पाठ 17 लता की कक्षा के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि मेडिटेशन का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे मेडिटेशन से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ लता की कक्षा में 1 से 99 तक की गिनती पढ़ने पढ़ाने लिखने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता ये है कि मेडिटेशन के माध्यम से पाठ के कॉन्सेप्ट पर छात्रों का ध्यान केंद्रित कराते हुए पढ़ाए जाने वाले विषय से उसका संबंध स्थापित करना है तथा स्व अध्ययन और अन्वेषण तथा कल्पनाशीलता के माध्यम से बेहतर समझ विकसित करना है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत नवाचार की सहायता से पाठ में निहित अवधारणा निर्माण के लिए 1 से 99 तक की गिनती, 1 से 99 तक की संख्या बढ़ते क्रम में, 99 से 1 तक संख्या घटते क्रम में आदि की कक्षा में मेडिटेशन के माध्यम से पाठ की समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को वास्तविक वस्तुओं के रूप में छात्र संख्या के आधार पर लगभग 100 कंकड़ को इकट्ठा करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। गतिविधि के निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत मेडिटेशन के माध्यम से छात्रों द्वारा ध्यान विधि एवं सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से नवाचार का परिचय कराया जाता है। इसके लिए सबसे पहले शिक्षक छात्रों को आंख बंद करके लंबी सांस लेने को कहते हैं, फिर कुछ चर्चा करके जिज्ञासा बढ़ाने के लिए निर्देश देते हैं, जैसे आंखें बंद करते हुए महसूस करें कि आपके हाथ में कितने कंकड़ हैं। छात्रों को कुछ समय दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलने के लिए कहा जाता है। इसके बाद 1 से 99 तक की गिनती के कॉन्सेप्ट की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार छात्रों के उत्तर के आधार पर उपरोक्त गतिविधि के अंत में शिक्षक द्वारा ये बताया जाता है कि आज हमने 1 से 99 तक की संख्या को बढ़ते क्रम में और 99 से 1 तक की संख्या को घटते क्रम में जाना और सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मेडिटेशन गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे 1 से 99 तक की संख्या को पहचानना, उन्हें पढ़ता और उन्हें लिखने के साथ साथ 1 से 99 तक की संख्या का उपयोग करना, छूटे हुए अंकों को भरना तथा आदि, साथ ही साथ बढ़ते और घटते क्रम को भी समझने की जानकारी की दी जाती है। साथ ही साथ छात्र कक्षा में शांति और अनुशासन बनाए रखना भी सीखते हैं, भाषा की गतिविधि को समझते हैं तथा अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच समझ पैदा करते हैं, संवाद करते हैं, प्रश्न करते हैं, तर्क देते हैं और अपने निजी अनुभवों को भी साझा करते हैं तथा अपनी कल्पनाशीलता के बारे में भी बताते हैं, प्रदर्शन करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी छात्रों में समझ विकसित होती है। इस नवाचार गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRP अनुपात के साथ साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ लता की कक्षा को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, कल्पनाशीलता तथा अन्वेषण के साथ साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। आपको ये नवाचार कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।